हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अमन कसाना व्लॉग में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जैसे कि आप सभी ठीक होंगे, चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं, हम आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन जगह, जो कि हम मैं मथुरा वाले शहर में ये दिखा सकता हूँ आप सभी को। तांडव करता हुआ शख्स जो कि बहुत ही गजब वाले तांडव कर रहे हैं, किसी मजाक नहीं डाल सकते यार, बहुत ही गजब वाले तांडव कर रहे थे। पूरी वीडियो में डाल नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो मेरे गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी समझा रहे हैं अब यहाँ का पूरा सीन, ये देख सकते हो आप। ब्लॉग तो मेरा बहुत ही छोटा रहेगा, ये देख सकते हो मस्ती करते हुए, पूरा बहुत ही मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दो बोट बुक करी थी, एक हमारी फर्स्ट वाली और एक हमारी सेकेंड में बैठे हैं, जिसमें सामने बैठे हैं और एक यू आर एक। ये देख सकते हो अब डांस करते हुए, ये राधे राधे, बहुत मस्ती कर रहा था ये। कह रहा था पैसे वसूल हैं यार, अमन तूने गजब ही कर दिया। आज तक आया नहीं मैं ऐसी जगह, ये देख मस्ती करते हुए देख सकते हो आप सभी के बीच। हमारी बोट, हमारी पहली बोट जा चुकी है, चल चुकी है, अब चलती है बोट हमारी फर्स्ट वाली। अब पीछे पीछे हम भी चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट बोट है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, जो ये ग्रुप के आधे बंदे इस बोट में और आधे इस बोट में। इस बोट में म्यूज़िक कम था तो थोड़ा म्यूज़िक हमने यहाँ से बढ़ा दिया। देख रहे हो यहाँ पे, चलते रहिए वीडियो को और आगे दिखाता हूँ। ये मस्ती करते हुए राधे 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 राधे, वीडियो भी बहुत ही गजब होने वाली है ये आप सभी के बीच। जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे मैंने सोची नहीं थी कि इतनी मस्ती टाइम होगा, मेरे फर्स्ट व्लॉग है ये, फर्स्ट सेकंड पार्ट है ये मेरा। चलिए वीडियो को और आगे चलते रहिए। देख सकते हो बोट हमारी चल चुकी है रफ्तार से, ये वहाँ गुरुजी समझा रहे हैं और एक गुरुजी हमारे साथ बच्चों के हमें समझा रहे हैं यार, फैसिलिटी बहुत है। अब आ चुके हैं मंदिर के बाहर, जमुना कट के बाहर। अब निकल चुके हैं मंदिर के बाहर, अब देखते हैं आगे होता है क्या। मेरी वीडियो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी कलरफुल बनेगी, क्योंकि वीडियो एडिट करने वाला ये बहुत ही गजब वाला था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब आ चुके हैं हम, चलो बताइए कमेंट करिए जल्दी से कहाँ पर आ चुके हैं। राधे 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 कृष्ण, और बहुत ही बेहतरीन मंदिर था ये, अंग्रेजों का मंदिर जैसा कहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज जो है अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ बैठे हैं यहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, देख सकते हो आप इतने माइक लग रहे हैं, इतनी बिजली कहाँ से आ रही है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑनली बैटरी, आप समझ सकते हो कहाँ से आ रही है बिजली। सब कृपा करते हैं राधा कृष्ण की। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे, और ये देखिए हम चले आ रहे हो। अब आ चुके हैं हम प्रेम मंदिर के पास जा रहे हैं हम, प्रेम मंदिर के थोड़े दिन प्रेम मंदिर के अंदर होंगे। अब आ चुके हैं हम प्रेम मंदिर में, ये आपको पता ही होगा कहाँ का सीन है। प्रेम मंदिर के अंदर का सीन है ये, जो कि हमारा गोवर्धन पर्वत के जस्ट बराबर वाला है, सात फन वाले महाराज जी। देखिए कृष्ण जी ऊपर, अब दिखाते हैं प्रेम मंदिर का गेट, अब दिखाता हूँ आपको गेट, मेन गेट जो कि गोवर्धन मंदिर का प्रसिद्ध है, ये देख सकते हो आप गेट। जूम करते करते मेरा कैमरा का ब्लर फट गया, क्योंकि नाइट का टाइम था तो इतना ब्लर खास चमकता नहीं है, इसलिए आप सभी देख रहे हो बीच में वीडियो को। अब आ चुके हैं मंदिर के अंदर पूरा, चलते रहिए वीडियो को दिखाता हूँ मंदिर के ऊपर। उठाओ जूम ज़्यादा कर रखा है मैंने, तो नाइट का सीन है तो नाइट में थोड़ा ऐसा चल के गई। ये है मंदिर की रियलिटी, पूरा पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये, जैसे कि आप सब देख रहे हो मंदिर बना हुआ है पत्थरों से। चलिए वीडियो को देखते हैं, इतनी पब्लिक पता है किस टाइम जा रहे थे हम, आपको बताऊंगा बाद में किस टाइम जा रहे थे हम, वो दिखाते हैं वीडियो को आगे चलते हैं। ये देखें नाइट का सीन, थोड़ा दिन छुपे होते हैं, लाइट जली मंदिर में बहुत ही जमागदार वाली, सात रंग बदलते हैं मंदिर के, चले देख सकते हो आगे। ये आ चुके हैं मंदिर के बाहर की साइड हम गेट पर, क्योंकि हमें जाना है घर, नाइट का सीन है, थोड़े दिन में चलेगा दिन का सीन,
क्योंकि मैंने थोड़ी वीडियो अटैच कर दी, थोड़ी काट दिया मैंने, अंदर का सीन पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि नाइट का सीन था, हर किसी पर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है क्योंकि हम एवरी नाइट पे आडियो मंदिर में गए थे, हमने जल्दी जल्दी अपनी यात्रा कंप्लीट की थी। अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया, ये देखिए लाल रंग, इस मंदिर में 7 रंग जलते हैं, सभी को पता ही होगा। अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट मंदिर सुबह का टाइम का, थोड़ा व्लॉग मेरा लेट हो रहा है, सॉरी। चलिए वीडियो को देखते हैं, घंटा बजाते हुए गुरुजी हमारा थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे तो हमें ज्ञान लेना पड़ा वीडियो को देखते हुए, ये सुन सकते हो आप ज्ञान थोड़ा सा, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गुरु जी ने। भगवान ने यह मिट्टी खाया है, मैं आपको सबको मिट्टी का प्रसाद दूंगा, सबको मिट्टी का प्रसाद दूंगा। सब लोग ऐसा हाथ मुख से बोलो, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, यमुना जी हमारा फागुन महीना। ये देख सकते हो अब आगे का सीन, अब चलते हैं ऊपर की साइड। ये देख सकते हो एक गजब गजब वाला सीन, ये करते हैं परिक्रमा, चलिए अब गुरु जी उठ गए, अब देते हैं प्रसाद गुरु जी, फिर उसे ले लेके चलते हैं मागे को परिक्रमा की, और एक पेड़ है वहाँ उसकी परिक्रमा करनी होती है। गुरु जी ने सबको प्रसाद दे दिया है, चलिए देखते हैं प्रसाद देते हुए गुरु जी ने। ये देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यार, गाइड जो होते हैं ना, बस समझ जाओ गाइड कितने बेहतरीन चीज़ याद दिलाते हैं, सब चीज़ बताते हैं गाइड जो, एक गाइड होना बहुत ही ज़रूरी है अपने टूर एंड ट्रैवल में। चलिए बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं अभी इस टाइम, ये देख सकते हो आप, ये हेलो 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 हेलो, चलिए देख सकते हो आप कैमरा की ओर देखते हुए पब्लिक। अब दिखाता हूँ आगे का सीन, मेरा व्लॉग चलेगा आगे को फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप यार व्लॉग पर सपोर्ट तो मिलता नहीं है, पर हम थोड़ा बहुत सपोर्ट के चक्कर में है ही नहीं, हम तो बस एंटरटेनमेंट करना आए हैं और एंटरटेनमेंट करेंगे। चलिए देख सकते हो अब आगे बढ़ते हुए, ए माय गॉड, चलिए चलिए आगे को चलते रहिए चलते रहिए। अब दिखाता हूँ आपको पेड़, ये बहुत ही पुराना पेड़ है, इतनी ज्ञान मुझे भी नहीं है, गुरुजी ने बताया था मैं भूल गया, सॉरी। चलिए आगे दिखाता हूँ आगे की वीडियो और बहुत ही जानदार वाली, वैसे वीडियो को मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ सकती है क्योंकि ब्लॉक हो चुका है बहुत ही बड़ा। अब आ चुके हैं हम 84 खंबा, यहाँ वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीक, नहीं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, नीचे बेल आइकन दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।